अक्सर सुनने में आता है, लोग बातें करते हैं स्वर्ग और नर्क की। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, जनरल टॉपिक में बातें होती रहती हैं स्वर्ग नर्क की। हमें आज तक भी बात ही समझ में नहीं आती। ये स्वर्ग और नर्क ये तो बेमानी सी बातें हैं। जब आप मर गए और मरने के बाद में काय का स्वर्ग काय का नर्क आप क्या देख रहे हो, है ना। मर जाने के बाद में दुनिया से आपको कुछ थोड़ी समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से तो स्वर्ग और नर्क का मतलब है सुख और दुख। इस जीवन में यदि आप सुख भोग रहे हो, खुश हो, अच्छे हो, तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग जैसी चीज़ है। स्वर्ग को खुशी मान लो। और यदि दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, कोई ऐसी समस्या है, दिन भर परेशान रहते हो, तो वो नर्क जैसी बात होगी, मतलब वो दुख हो गया। तो स्वर्ग और नरक तो बेमानी सी बातें हैं। अब जिसको बोलो वो वैसी बातें करता रहता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अरे भाई कहाँ जाओगे, ये तो बड़ी वैसी सी बात हो गई कि लोग बोलते हैं जहर कड़वा है, तो किसने चक्कर देखा कि कड़वा है कि मीठा है। तो ये तो आपसी बातों के जुमले होते हैं, इसका कोई लेना देना तो होता नहीं। कई बार हमारे पास ऐसे लोग होते हैं कि सब वो आते हैं हमसे बोलते हैं आप कुछ मंत्र साधना बता दो, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करना है। कौन सा मोक्ष भाई, ना तो वैसे गर्भ हैं कि जिसमें से कोई मोक्ष प्राप्ति वाला देवी देवता निकले, ठीक है ना। और ना कोई उस तरीके के लोग हैं, ना ऐसा कोई विचार है। दुनिया है किस भी क्या, उससे आगे भी सदी चल रही है, आप तो उससे हो, तो ऐसे किसी को थोड़ी मोक्ष मिल जाता है। कोई तो कहाँ मोक्ष है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नर्क है, ये सारी बातें टीवी पर आती हैं, किताबों में पढ़ने के लिए अच्छी लगती हैं, मन को समझाने के लिए अच्छी लगती हैं। यदि आप बेसिक यदि बात करोगे तो भाई किसी कोई भी चीज़ बेमानी है, मतलब किसी भी चीज़ का बेमानी से मतलब होता है किसी भी चीज़ का औचित्य नहीं। हाँ, बात करने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं भाई।